गांधारी के श्राप के चलते भगवान श्री कृष्ण के कुल के लगभग सभी पुरुष और स्त्रियों का नाश हो गया था, लेकिन मात्र एक ही व्यक्ति बचा था, जो था भगवान श्री कृष्ण का परपौत्र, जिसका नाम था वज्र, जिसको बाद में अर्जुन ने इसे इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया था। और आधुनिक शोध के अनुसार साल 3112 ईसा पूर्व श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और महाभारत के युद्ध के करीबन 35 से 36 वर्ष के पश्चात भगवान कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया था। तभी से ऐसा कहा जाता है कि कलयुग का प्रारंभ हो गया और भगवान श्री कृष्ण ने 8 महिलाओं से विधिवत विवाह किया था और इन 8 महिलाओं में से उनको 80 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी और इन 8 महिलाओं को अष्ट भार्या भी कहा जाता था, जिनके नाम थे रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। तो भगवान श्री कृष्ण के इन पत्नियों से 10-10 पुत्रों का जन्म भी हुआ था और एक पुत्री भी हुई थी जिनका नाम था चारुमिता। अब क्योंकि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था तो अंत में जो गांधारी थी, जो कौरवों की माता थी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। तब ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने उनके श्राप को बड़े ही सरलता पूर्वक से स्वीकार कर लिया था और ऐसा करने के पश्चात हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कुल का धीरे धीरे नाश होने लगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को तो श्राप दिया ही था, लेकिन उन्होंने यदु वंश का नाश होने का श्राप उन्हें नहीं दिया था। यानी ऐसा कहा जाता है कि जो मथुरा है वो अंधक संघ की राजधानी थी और द्वारिका वृष्णियों की राजधानी थी, जबकि ये दोनों कुल यदु वंश से संबंधित हैं। यानी ऐसा कहा जाता है कि यदु वंश में अंधक, मणि, माधव, यादव जैसे वंश चले हैं और जबकि श्री कृष्ण से वृष्ण वंश चला है, जिसके बाद जो वृष्ण हुए वो वैष्णव कहलाए और बाद में इन्हें वैष्णव कहा जाने लगा। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि महाभारत युद्ध के बाद एक और खतरनाक युद्ध हुआ जिसको मौसल युद्ध के नाम से जाना गया और ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के करीबन 36 वर्ष बाद ये युद्ध प्रारंभ हुआ था। यानी उस समय विश्वामित्र, आसित, दुर्वासा, कश्यप, वशिष्ठ और नारद जैसे बड़े बड़े ऋषि द्वारिका के पास जो पिंडारक क्षेत्र है वहाँ पर निवास करते थे। तब एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान कृष्ण के महल में रहने वाले सारण और उनके साथ जामवंती के पुत्र सांब ने अपने मित्रों के साथ मिलकर इन ऋषियों के पास गए और उनसे मजाक करने लगे। और मजाक ही मजाक में जो जामवंती के पुत्र सांब होते हैं वो साड़ी पहनकर ऋषियों से मजाक करने लगते हैं और उनके मित्र उनके इस मजाक में साथ देते हैं और फिर वो ऋषियों से ये कहने लगते हैं कि बताइए कि ये कजरारे नैनो वाली जो स्त्री है ये किसकी पत्नी है और आपसे कुछ पूछना चाहती है लेकिन आपसे पूछ नहीं पा रही है। हम इसकी तरफ से पूछते हैं कि आप जरा बताइए इस स्त्री के गर्भ से पुत्र की प्राप्ति होगी या फिर पुत्री की प्राप्ति होगी। अब ये सभी चीजें तो वो ऋषियों से मजाक करके बोल रहे थे तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर ऋषियों ने उनसे कहा कि हे श्री कृष्ण के पुत्र सांब वृष्णी और अंधक वंशी पुरुषों, इस स्त्री के गर्भ से ना ही पुत्री होगी और ना ही पुत्र होगा, बल्कि इसके गर्भ से एक विशाल लोहे का मूसल उत्पन्न होगा और यही मूसल तुम्हारे वंश के अंत का कारण भी बनेगा। और जब इस प्रकार का श्राप ऋषियों ने दे दिया तब ऐसा कहा जाता है कि श्राप को सुनकर जितने भी बालक थे जो ऋषियों से मजाक कर रहे थे वो घबरा कर महल में वापस आ गए। तब ऐसा कहा जाता है जब बलराम जी को इस श्राप के बारे में पता चलता है तब वो स्वयं ही अपने शरीर का परित्याग करके समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं और उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर को अंत करने का एक माया रचते हैं। यानी वो उस स्थान पर चले जाते हैं जहाँ पर वो शयन करते हैं और तभी उस समय जरा नामक वाद्य बाणों से उन पर प्रहार करता है और वो बाण उनके पैरों पर लगता है, जिसके बाद हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उसी क्षण अपना शरीर त्याग कर देते हैं। अब इस प्रकार की घटना हो जाने के बाद जो ऋषियों के द्वारा दिया गया श्राप का प्रभाव है वो भी अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। यानी जो सांब होते हैं उनके पेट में अत्यंत पीड़ा होती है तो उनका जो पेट होता है वो गर्भवती महिला के समान फूल जाता है और जब उनके पेट की शल्य चिकित्सा की जाती है तब उनके पेट से वही लोहे का मूसल निकलता है। अब ये सभी स्थिति देखकर सभी घबरा जाते हैं और उसके बाद उस मूसल को लेकर भरी सभा में चले जाते हैं और वहां जाकर सभी को इस घटना के बारे में अवगत कराते हैं। अब क्योंकि ऋषि के श्राप से बचने के लिए और अपने वंश को बचाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि उस मूसल को टुकड़े टुकड़े करके यानी उसका चूरा बनाकर समुद्र में फेंकवा दिया जाता है। लेकिन फिर ऐसा कहा जाता है कि जब यह टुकड़ा समुद्र में फेंका जाता है तब एक मछली इन टुकड़ों को निगल जाती है और लोहे के टुकड़े का जो चूरा होता है वो लहरों के साथ समुद्र के किनारे आ जाता है और कुछ दिन बाद इस किनारे आए हुए लोहे के चूरे में
करने से एक प्रकार की एरक घास उग जाती है। वहीं दूसरी ओर जो मछुआरे होते हैं उस मछली को पकड़ लेते हैं जिस मछली ने इस लोहे के टुकड़े को निगला होता है, और जब इस मछली को काटा जाता है तो उसके पेट में से जो लोहा निकलता है यानी जो लोहे का टुकड़ा निकलता है उसे जरा नामक जो व्याध होता है वो अपने बाणों की नोक पर लगा देता है। अब ऋषि मुनियों के श्राप की बात जो थी वो श्री कृष्ण को भी बताई गई थी, क्योंकि वो ऋषि मुनियों के श्राप को और देवी गांधारी के श्राप को असत्य साबित नहीं होने देना चाहते थे। अब क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा पर चलने की आज्ञा दी थी, और जब सभी यदुवंशी उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए एक जगह इकट्ठा हुए तो वो अपनी किसी न किसी बात पर आपस में ही झगड़ने लगे, और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहाँ उगी वही घास थी जो लोहे से उत्पन्न हुई थी, अब उसी घास को उखाड़ कर वो एक दूसरे को मारने लगे थे, क्योंकि वो जो घास थी वो जैसे ही उखाड़ते थे वो एक विशाल मूसल का रूप धारण कर लेती थी, और श्राप के असर के कारण यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगते थे, और देखते ही देखते सांब, चारुदेषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की मृत्यु हो जाती है। यानी जो ये आपसी झगड़ा था इसी आपसी झगड़े को मौसुल युद्ध कहा जाता है। अब इस युद्ध के कई रहस्य भी हैं। यानी झगड़े की शुरुआत कृतवर्मा के अपमान से हुई थी, क्योंकि सात्यकी ने मदिरा के आवेश में आकर उनका अपहास उड़ाते हुए ऐसा कहा था, अपने आप को तुम छत्री मानते हो, तुम आखिर कैसे वीर हो जो रात में सोए हुए निहत्थे बालकों की हत्या कर देते हैं। यानी ये बात वो उस समय कहते हैं जब पांडवों के पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा के द्वारा की गई होती है। अब इतना सब कुछ कहने के बाद वो उन्हें ये भी ताना देते हैं कि तूने जो अपराध किया है उसे यदुवंशी कभी नहीं माफ करेंगे। और जब सांबे ऐसा कह रहे थे तब उस समय प्रद्युम्न भी कृतवर्मा का अपमान करते हुए उनकी बातों का समर्थन कर रहे थे। अब क्योंकि जो कृतवर्मा थे उन्होंने महाभारत का युद्ध भी लड़ा था, और वो युद्ध में जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक माने जाते हैं। अब जब ये सब कृत हो गया था तब ऐसा कहा जाता है कि कृतवर्मा को उस समय बड़ा ही क्रोध आया, और उन्होंने एक हाथ उठाकर सात्यकी का तिरस्कार करते हुए कहा कि तुमने भूरी शर्वा की बाह जब काट दी थी और वे युद्ध भूमि में बैठ गए थे, यानी वो पूरी तरीके से आत्मसमर्पण भी कर चुके थे, फिर भी तुमने उनकी हत्या की, तो ये कृत भी तुम्हारे द्वारा किया गया नपुंसकों की भांति है। अब इस बात को सुनकर ऐसा कहा जाता है कि सात्यकी को क्रोध आ गया और उन्होंने तलवार से कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया, और यहीं से बात बढ़ती चली गई। यानी यदुवंशी के ही दुश्मन बनते चले गए, और एक दूसरे से लड़ते लड़ते यदुवंशी अपने वंश का ही नाश करते चले गए। और बाद में जब श्री कृष्ण का प्रभास क्षेत्र में देहांत हुआ था तब द्वारिका डूबने लगी थी, और उस समय कृष्ण वंश में बस वज्र नामक उनका पोता ही बचा था। तब अर्जुन सभी यदुवंशी महिलाओं और वज्र को लेकर हस्तिनापुर की ओर चले आए, और रास्ते में भयानक जंगल आदि को पार करते हुए वे पंचनंदन देश में अपना पड़ाव डाल देते हैं। और वहाँ रहने वाले लुटेरों को जब ये खबर मिलती है कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जन समुदाय को लेकर हस्तिनापुर जा रहे हैं तब वो सभी धन के लालच में आकर वहाँ धावा बोल देते हैं। और जब वो लुटेरे उनके पास आते हैं तो अर्जुन चीख कर लुटेरों को चेतावनी देते हैं, लेकिन लुटेरों पर उनकी चीख का कोई असर नहीं होता है और वे लूटपाट करने लगते हैं। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। अब जैसे तैसे अर्जुन यदुवंशियों की बची हुई स्त्रियों और बच्चों को लेकर कुरुक्षेत्र पहुंच तो जाते हैं। यहां आकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पोते वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं, और उसके बाद बूढ़े और बालकों और अन्य स्त्रियों को अर्जुन इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए कहते तो हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि रुक्मणी, शैव्या, हेमवंती और जामवंती के साथ साथ अन्य रानियां अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं, और जो शेष बची होती हैं वो वन में तपस्या की ओर चली जाती हैं। तब इस तरीके से भगवान कृष्ण के वंश का आपसी मतभेद के कारण एक दूसरे में ही युद्ध होता है, एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचाते हैं, और अंत में जैसे तैसे करके अर्जुन के द्वारा यदुवंश के कुल की रक्षा की जाती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण चाहते तो इस युद्ध को अवश्य रोक देते, लेकिन ऋषियों के श्राप को और माता गांधारी के श्राप को उन्होंने आशीर्वाद रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें सम्मान भी दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।